नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूर्तिकार की जो इस समय सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मूर्तिकार अरुण योगीराज की, जो इस समय खूब चर्चा में हैं। हाल ही में 22 तारीख को अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही जोर शोर से की गई। क्या आपको पता है कि वो मूर्ति आखिरकार किसने बनाई थी? तो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं जो राम मंदिर में राम लला की मूर्ति बनाई गई है, वो मूर्ति बनाने का श्रेय अरुण योगीराज को जाता है। उन्होंने ही एक पत्थर से इस मूर्ति को बनाया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अरुण योगीराज का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। हमेशा हमेशा के लिए अरुण योगीराज को याद किया जाएगा कि राम मंदिर में जो मूर्ति है उसे बनाने वाला कौन था। तो वो थे अरुण योगीराज। यही नहीं, अरुण योगीराज के पिताजी भी एक मूर्तिकार थे और उनके दादाजी भी एक मूर्तिकार थे। यही नहीं, अरुण योगीराज ने कई और मूर्तियां भी बनाई हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, शंकराचार्य की मूर्ति या केदारनाथ में लगी महादेव की मूर्तियां भी अरुण योगीराज ने डिजाइन की हैं। क्या दोस्तों, आप इससे पहले जानते थे कि रामलला की मूर्ति किसने बनाई है? अगर नहीं जानते तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएँ। धन्यवाद।